नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ज़्यादा पढ़िए, जल्दी पढ़िए और अपने सिलेक्शन के चांस को बढ़ाइए। ठीक है, तो कुछ इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या करना चाहिए, कवर को जल्दी जल्दी कैसे निपटाना चाहिए। और सबको पता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारे चांस जो होते हैं वो आपके पाम में, मतलब आपकी हथेली में ही होते हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि सिलेक्शन के चांस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और समय रहते हुए आप उसमें खेल भी सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, उसमें कम कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ये जो समय है ना, आप समय के अंदर ही खेलना स्टार्ट कर देते हो, समय आपसे खेलना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है। जब आपके पास बहुत सारा समय होता है ना, तो आप जब भी कुछ काम करते हो तो आपको ये लगता है अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे। समय और बीतता है, समय आपके साथ थोड़ा सा खेलता है, आपको लगता है और पढ़ लेंगे। समय और खेलता है, आपको लगता है और पढ़ लेंगे। इसी तरीके से समय धीरे 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 जब यहाँ नाक तक आ जाता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अब तो नहीं बचूंगा मैं। और फिर वहाँ पे क्या आती है, भरोसे वाली बात कि चलो भगवान के ऊपर भरोसा है, छोड़ देते हैं, हो जाएगा। और वहीं पे आप मार खाते हो, और फिर जब उस लड़ाई से लड़कर बाहर आते हो तो बाहर के लोगों से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि यार नसीब नहीं था, भगवान ने साथ नहीं दिया, यार मेरा उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, यार उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अपना जो कारण है वो दूसरे के ऊपर थोप देते हो, और फिर वहाँ से फिर एक आप स्टेप नीचे गिर जाते हो। कभी आप अपने ऊपर नहीं ये सोचते कि गलती मेरी थी, हमेशा गलती बाहर की दुनिया में ढूंढते हो। तो गलती अपने अंदर ढूंढो, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो। सिलेबस को जितना ज़्यादा, जितना जल्दी, जितना तेज़ कवर करोगे, सिलेक्शन के चांस उतने बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको आज एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो लंबी नहीं करूंगा, 3 से 4 मिनट। ठीक है, एक बात बताता हूँ, आप कैलेंडर रखते हो ना, कैलेंडर कैलेंडर एक लाओ, और उसके जो मतलब ऊपर जो भी हो फोटो आप उसको बेसिक से काट दो, नीचे के जो कैलेंडर के पोर्शन है ना 12 मंथ के, उसको एग्जैक्टली काट के चिपका लो, और उसमें से भी जितना अभी तक बीत चुका है आज की तिथि से पहले वाले को आप काट के निकाल दो। आज वर्तमान में जो अभी ये वीडियो देखोगे तो आज की तिथि से चिपका लो, और उसमें आज वाला दिन भी काट लेना, क्योंकि आज तो आप मूवी वूवी देख रहे होगे, पबजी वबजी खेल रहे होगे, फेसबुक वेसबुक चला रहे होगे ना, तो आज वाला भी काट देना। कल से आपने जब दिन बिताना है, काटना तो आपको रोज है, आज वाला भी काट देना, कल जब रात हो कल वाला भी काट देना, परसों जब रात हो परसों वाला भी काट देना। और जो भी एग्ज़ाम आपको देना है, अगर आपके आपको पता है उसका टेंटेटिव डेट, मतलब संभावना है उसकी, उस संभावना तक आप उसमें लगा के रखना। जैसे कि आज आपने जो टाइम टेबल अपना, मतलब जो कैलेंडर बना रखा, चिपका रखा, उसमें आपने आने वाले 3 महीने तक सेट कर लेना है कि इस 3 महीने, आने वाला जो 3 महीने है, आखिरी का जो तीसरा महीने का जो लास्ट दिन होगा, वहाँ से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा लमसम, या उससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आप 3 नहीं, आप 2 महीने मान के चलो, 60 दिन, आने वाले 60 दिन तक आप अपना टारगेट बनाना, और उस 60 दिन में आपको सारा सिलेबस, रिविज़न, सेट, प्रैक्टिस सब कुछ करना है। और वो 60 दिन आपको डेली काटते रहना है, काटते रहना है। जब आप देखना 3 4 दिन बाद, जब आप उसको काटते हुए जब आप उसको देखोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो 60 दिन है और मेरा वो मतलब मामला तो ख़त्म होते जा रहा है रोज़ रोज़। 60वां दिन जब आप काटोगे, और फिर अपने आप से पूछना कि आपने ये काटने काट तो दिया, दिन तो समय बिता लिए, लेकिन काम क्या किया। इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, और मन में डर बनाओ। अगर आप कभी दौड़े नहीं हो और एकदम से आपके पीछे कोई सांप वगैरह कुछ पड़ जाता है, तो आप बहुत तेज़ दौड़ते हो, कुत्ता पड़ जाता है या कोई जानवर पड़ जाता है, सांड आ जाता है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अगर आप वैसे, आपको कहूँ दौड़ने को, तो जो रेगुलर नहीं दौड़ता वो नहीं दौड़ेगा, कहेगा यार मेरी तो हैबिट नहीं है, शुरुआत करूँगा धीरे धीरे। उसी तरीके से पढ़ाई है, पढ़ाई वाले को अगर किसी को शुरू में फोर्स करो ना, बोलो बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, धीरे धीरे बनाएंगे, आधा घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, 5 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे। लेकिन जब आपके मन में यहाँ पे प्रेशर आ जाता है ना, डर फेल होने का, तब देखना आप 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे, जितना भी आप मैक्सिमम खींच सकते हो पढ़ोगे, तो डर अपने दिमाग में लेके आओ। ठीक है, और एक बात और कि अब अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो लॉन्ग, 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता, उससे थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, तो जितना भी आप खींच सकते हो, अगर आपका आखिरी टाइम में आपको लगता है कि नहीं अब छोड़ना चाहिए, दिमाग से बाहर जा रहा है, पानी पी लेना चाहिए या भूख लग रही है, टॉयलेट को छोड़कर, टॉयलेट वगैरह लगी हो तो उस टाइम आपको सडनली उठ के जाना चाहिए, लेकिन बाकी और कोई काम हो रहा हो तो अगर आपको लगता है कि अब उठना चाहिए, तो आप ये सोचिए कि मैं 5 मिनट और करूँगा उसको, 5 मिनट और नोट्स बनाऊंगा, 5 मिनट और रिवाइज करूंगा, या 5 मिनट और क्वेश्चन लगाऊंगा, 5 मिनट का टारगेट बनाइए, मैं अगले 5 मिनट में उठ जाऊंगा। और जब वो 5 मिनट बीत जाए
उसके तुरंत बाद फिर से आप 5 मिनट लगा दो। तो ये कुछ है टेक्निक जो फॉलो करते हैं अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां, भाई बहन, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करो, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, और चीर दो फाड़ दो इस बार, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है। अभी मज़े ले लोगे तो बाद में सजे ही सजे हैं, अभी थोड़ा सा सजा सह लो, बाद में मज़े ही मज़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम।